गुड मॉर्निंग दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रूट्स। फलों के बारे में सामान्य जानकारी बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज फ्रूट? फ्रूट में बी डिफाइंड एज इन लार्ज राइपेंड और मैच्योर ओवरी। जब अंडा से जो है बड़ा फूल जाता है और मैच्योर हो जाता है तथा पक जाता है तो इसे हम फल की संज्ञा देते हैं। मैच्योरनेस क्या है? अटेनमेंट ऑफ द प्रॉपर साइज। जब एक निश्चित आकार को अंडाशय बढ़ करके फूल जाता है और मैच्योर हो जाता है, पक जाता है तो उसे हम फल की संज्ञा देते हैं। व्हेन ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। जब अंडाशय के विकास बिना निषेचन के होता है तो हम ऐसे फलों को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, अनिषेचक फल कहते हैं। और ये फल मोस्टली सीडलेस होते हैं, जैसा कि बीज रहित होते हैं। द फ्रूट्स ग्रोज विदाउट फर्टिलाइजेशन आर रिमेन सीडलेस एंड नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अनिषेचक फल। काइंड ऑफ फ्रूट्स, फलों के प्रकार। द फ्रूट्स आर मे बी ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट मीन्स ओनली द ओवरी। जब अंडाशय केवल फल बनने में सहायक होता है, व्हेन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, ओनली द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, दिस इज नोन एज ट्रू फ्रूट, सत्य फल। अदर पार्ट्स ग्रोज आउटसाइड द ओवरी। जबकि और जो सहायक फूल के भाग हैं ओवरी के अलावा, वो उसके बाहर रहते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता फल के डेवलपमेंट में। तो हम ऐसे फलों को सत्य फल या ट्रू फ्रूट कहते हैं। जैसे गुआवा, सिट्रस, पपाया, दीज आर द ट्रू फ्रूट या सत्य फल। नेक्स्ट है फॉल्स फ्रूट। व्हेन द फ्रूट्स इज डेवलप बाई फ्लोरल पार्ट्स, पर्टिकुलरली द थैलेमस आर इवन कैलेक्स, मे ग्रो एंड फॉर्म ए पार्ट ऑफ द फ्रूट। जब फल का विकास उसकी ओवरी को के अलावा अन्य भाग भी सम्मिलित होते हैं फल के डेवलपमेंट करने में, जैसे थैलेमस है, जैसे जब ओवरी फल का विकास, यहाँ पे ओवरी होता है जैसे आप लोग जानते हैं, इसके बाद कैलेक्स होता है, थैलेमस होता है, ये भी समेट करके फूल के फल के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। ओवरी के अलावा और विभाग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो इसको हम असत्य फल कहते हैं या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे सेब है आपका, एप्पल, पियर, किसुनट, काजू, ये सब क्या हैं? असत्य फल हैं या फॉल्स फ्रूट हैं, पार्ट्स ऑफ ए फ्लेशी फ्रूट। इन विल डेवलप फ्रूट द आउटर वॉल। जो हमारे फल होते हैं उसके में भाग होते हैं, जैसे इपिकार्प, जो सबसे बाहरी भाग होता है, छिलका जिसे हम कलो कहते हैं उसे हम इपिकार्प कहते हैं, और जो बीच का पोर्शन होता है फल के उसे हम क्या कहते हैं? मेसोकार्प कहते हैं। एंड इनर, सबसे लास्ट पोर्शन को हम इंडोकार्प कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ये नेट वगैरह में, जेआरएफ में पूछा जाता है। इसके अलावा जो हमारे बच्चे फोर्थ सेम के, उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ फ्रूट प्लांट्स। फ्रूट प्लांट्स बोटानिकली वनस्पति रूप से दो तरह के होते हैं, मोनोकॉटिलेडनस जिसमें एम्ब्रो कंटेंस ओनली वन कॉटिलेडन, जिसमें जो भ्रूण होता है उसमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। फ्लावर बियर थ्री पेटल्स आर मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। और जो फूल होता है उसमें तीन पेटल होते हैं, आप लोग जानते हैं सेपल और प्लेटल, इंडूसियम गाइनूसियम, ये चार भाग होते हैं फ्लावर के। जो सबसे निचले हिस्से पे होता है फ्लावर के हरे रंग का, इसको हम सेपल कहते हैं या कैलेक्स कहते हैं। तो इसमें थ्री, और इसके बाद जो होता है उसे हम पेटल कहते हैं, रंग बिरंगे होते हैं ये, हमेशा ग्रीन होता है सेपल। तो इसमें पेटल जो होते हैं वो कितने होते हैं? थ्री होते हैं मोनोकॉटिलेडन्स में, अथवा इसी के सिनोनिम्स नंबर होते हैं मल्टीपल, तीन के सिनोनिम माने मंटल में तीन दुनाई छः होंगे, सिक्स होंगे या नौ होंगे। तो इस ऐसे फल को हम एक बीजपत्री फल कहते हैं। जैसे बनाना, ड्राई कॉटिलेडनस फ्रूट्स, द सीड कंटेंस टू कॉटिलेडन, ऐसे बीज जिनमें दो बीज पत पाए जाते हैं उन्हें हम मोटो ड्राई कॉटिलेडनस फ्रूट्स कहते हैं, जैसे गुआवा एंड जामुन।
ऑन द बेसिस ऑफ लीफ फॉल, पत्तियों के गिरने के अनुसार फलों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे एवरग्रीन फ्रूट्स, या इनको हम सदाबहार पौधे कहते हैं या फल वाले पौधे कहते हैं। एवरग्रीन फ्रूट प्लांट्स आर सदाबहार फल वाले पौधे हिंदी में कहते हैं। इनमें क्या होता है, डू नॉट से देयर आर लीव्स एट वन टाइम, इनमें एक साथ पूरी पत्तियां पौधे से नहीं गिरती हैं। जिस ऐसे फल वाले पौधे जिनमें एक साथ पूरी पत्तियां कभी भी वर्ष में एक साथ पौधे से नहीं गिरती हैं, तो इनको हम एवरग्रीन प्लांट पाते हैं। दे डू नॉट से देयर लीव्स एट वन टाइम फ्रॉम द प्लांट, जैसे मैंगो, आम, सिट्रस, जैक फ्रूट, इनमें हमेशा पत्तियां जो हैं विद्यमान रहती है पेड़ पे साल भर, और थोड़ी बहुत गिर जाएँ तो गिर जाएँ, इकट्ठा पूरी पत्तियां नहीं गिरती। तो ऐसे फल वाले पौधों को हम एवरग्रीन फ्रूट प्लांट कहते हैं, सदाबहारी वृक्ष कहते हैं। दूसरा जो होता है डिसीड्यूस प्लांट या पतझड़ी फल वाले पौधे कहते हैं। इसमें देखा गया है कि कभी कभी फल वाले पौधे पूर्ण रूप से नेक्ड हो जाते हैं, विदाउट लीव्स हो जाते हैं साल में एक बार, तो इसकी पूरी पत्तियां गिर जाती हैं। ऐसे फल वाले पौधों को हम डिसीड्यूस या पतझड़ी पौधे कहते हैं, और विशेष करके विंटर सीजन में पौधे की सभी पत्तियां गिर जाती हैं, और स्प्रिंग सीजन में पुनः इसमें जो स्प्रिंग मौसम होता है जिसे हम लोग हिंदी में बसंत कहते हैं, तो उसमें पुनः उसमें नई नई पत्तियां आती हैं। ऐसे पौधों को हम पतझड़ी पौधों की संख्या देते हैं, जैसे प्लम, जितने भी हमारे टेम्परेट फ्रूट्स हैं, टेम्परेट क्लाइमेट के जैसे जलवायु के फल वाले पौधे हैं, जैसे प्लम, पीच, ये सब क्या हैं, डिसीड्यूस फ्रूट प्लांट्स हैं, ये पतझड़ी फल वाले पौधे हैं। सेवरल प्लांट्स शेड लीव्स ड्यूरिंग समर आल्सो, काफ़ी पौधे हैं जो गर्मी में भी अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो डिसीड्यूस प्लांट द फ्रूट्स आर आल्सो क्लासिफाई ऑन द फार्म ऑफ स्टेम, तने के आकार के अनुसार पौधों का वर्गीकरण किया गया है फल वाले पौधों का। इसमें जैसे हर्ब है, शाकीय पौधे, इसमें क्या है कि हर साथ दो प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम, जिसमें तना जो है मुलायम होता है, तोड़ने पे वो टूटता नहीं बल्कि मुड़ जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। ऐसे फलों वाले वृक्षों को या ऐसे पौधों को हम हर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट श्रब्स मीडियम साइज, इनका आकार मध्यम होता है, विद बुश एंड हार्ड स्टेम, जिसमें तने जो होते हैं वो झाड़ी नुमा होते हैं तथा कठोर होते हैं। इन दिस मेनी परसिस्टेंट वुडी स्टेम राइज फ्रॉम द बेस, मैं पिछली भी बार भी आपको बता चुका हूँ हर्ब श्रब और ट्रीज में कि इसमें क्लियर का ट्रंक नीचे से नहीं होता बल्कि कई तने एक साथ निकलते हैं जमीन से, तो इसको हम क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। देखिएगा ट्री में क्या होता है कि क्लियर कट ट्रंक होता है, यहाँ से एक सीधा ये तना निकलता है, जबकि श्रब में कई तने निकलते हैं बेस से, तो इसको हम झाड़ी कहते हैं। आप लोग गुलाब है, अनार है, ये सब क्या है, झाड़ी हैं। करौंदा, इसका उदाहरण जैसे करौंदा आप लोग जानते हैं, पोमग्रेनेट है, ये सब क्या है, श्रब हैं। ट्रीज पेड़, इन दिस कील क्लीन एंड हार्ड स्टेम विद ब्रांच, इसमें बिल्कुल क्लियर कट ट्रंक फ्रॉम बेस, हमने बताया आपको ट्री में पेड़ में क्लियर कट ट्रंक होता है, यहाँ से सीधा एक ट्रंक निकलता है, इसमें नीचे जो आधार से कई तने नहीं निकलते भूम के आधार से, तो इसको हम ट्री कहते हैं। सजाई मैंगो, गुआवा, आम, अमरूद, जामुन, सिट्रस, जैक फ्रूट, कटहल, ये सब क्या है, ट्री हैं। द फ्रूट्स आर आल्सो डिवाइड मॉर्फोलॉजिकली, आकार के अनुसार फ्रूटों को फलों को डिवाइड किया गया है, जैसे इसमें सिंपल फ्रूट जैसे साधारण फल हैं, साधारण फल को डिवाइड किया गया है बेरी में। बेरी क्या है, बनाना, जिसमें बहुत ही काफ़ी छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, जैसे बनाना है, पपाया है, ग्रेप है, अंगूर, सपोटा, चीकू, एरेकानट, सुपारी का पेड़ है, ओकाइडो, ये क्या है, बेरी हैं। नंबर दो सिंपल रूट में आता है आपका मोडिफाइड बेरी, बेरी का रूपांतरित रूप इसमें बैलुस्टा, बैलुस्टा प्रोमग्रेनेट, प्रोमग्रेनेट जो होता है बैलुस्टा आकार का होता है। नेक्स्ट एम्फीसरा का, वुड एपिल, कैथ जिसे हम लोग कहते हैं बेल, ये एम्फीसरा का फल होते हैं। नेक्स्ट टेपो, वाटर मिलन, वाटर मिलन जो होता है उसका मॉर्फोलॉजिकली जो शेप होता है वो टेपो होता है। पोम,
पोम में जितने गूदेदार फल हैं, जैसे एपिल है, पियर है, सेब, नाशपाती, क्विंस, लोकाट, ये सब क्या होते हैं? पोम होते हैं। पोम मार्फोलॉजी इनकी होती है। ड्रुप, ड्रुप को स्टोन भी कहते हैं। इसमें इसमें बीज में गुठली पाई जाती है। इसमें ड्रुप फल के हैं, मैंगो है, पीच है, प्लम है, पीच प्लम, बेर, कोकोनट, चेरी, कोको, काफ़ी, आयल पाम, दीज आर द ड्रुप आर स्टोन फ्रूट्स। नेक्स्ट हेस्पिरिडियम, जो मॉडिफाइड बेरी है, नेक्स्ट है वो हेस्पिरिडियम। इसमें सिट्रस आता है आपका। नट, नट माने बोल्ट की तरह उसमें होते हैं, जैसे काफ़ी बीज होते हैं, जैसे केसू, लीची, वालनट, अखरोट, पीका नट, ये सब क्या है? नट हैं। इनमें मार्फोलॉजिकल जो फ्रूट होता है वो नट होता है। नेक्स्ट है कैप्सूल, आंवला, कैरम्बूल आदि ज्यादा कैप्सूल मार्फोलॉजिकल फ्रूट्स। और सेकंड जो होता है इसमें मार्फोलॉजी होती है वो एग्रीग्रेट फ्रूट होते हैं। इसमें दिस इज डिवाइडेड इनटू इटेरिया ऑफ बेरीज, कास्टल एपिल, रैसबेरी, इटेरिया ऑफ येकेन, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट जो तीसरे तरह का फ्रूट है वो मल्टीपल फ्रूट होता है। इसको हम डिवाइड करते हैं साइकोनस, जैसे फिग, साइकोनस का उदाहरण क्या है? फिग है। और सोरोसिस, सोरोसिस के अंतर्गत आता है आपका जैक फ्रूट, पाइन एपिल, सिंपल फ्रूट, फ्रूट्स आर मे बी सिंपल एंड डिसेंट। सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं? व्हेन द फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम ए सिंगल फ्लावर, जब एक केवल एक फूल से फल का निर्माण होता है, और वो मे बी डिसेंट, डिसेंट वाला होता है फट जाना, बस्ट हो जाना ऑन द राइपनिंग आर इनडिसन। सिंपल फ्रूट में भी डिसेंट आर इनडिसेंट। डिसेंट फ्रूट्स क्या होते हैं? द फ्रूट्स बस्ट ऑन राइपनिंग। डिसेंट फ्रूट वो होते हैं जो पकने पे फट जाते हैं, उनको हम डिसेंट फ्रूट कहते हैं। एंड हेयर एज इनडिसेंट फ्रूट्स डू नॉट बस्ट ऑन राइपनिंग। इनडिसेंट फ्रूट जो होते हैं वो पकने पे नहीं फटते हैं। अभी और है ना।